दिखाओ इधर, ये देखिए बात हुआ है, देखिए देखिए जैसे हम भगा कर दिखा दे रहे हैं, 2 मिनट तक बात हुआ है। अभी बढ़िया से सामने आएंगे, तो आप लोग सबूत देख लेंगे। और देखिए पैसा जो हम भेजे हैं, ये देखिए सब पैसा भेजे हम, तो इसी तरह सबको हौसला धरा के पैसा लूट रहे हैं, सबको लूट रहे हैं ना। तो पवन सिंह का नाम फिर से कंट्रोवर्सी में आया है और पवन सिंह का नाम लेकर एक कॉल रिकॉर्डिंग बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। आइए उसके बारे में बात करते हैं, साथ ही ये बात करते हैं कि ये साजिश का ताना बाना कैसे बुना गया। पावर स्टार पवन सिंह का नाम अंकित राजभर से जोड़ा जा रहा है, जो मात्रा या 13 साल का लड़का है, और वो ये कह रहा है कि पवन सिंह और उनके टीम की तरफ से मेरे साथ 30,000 रुपये की ठगी की गई है। और उसने इस सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि इन सारी चीज़ों का 30,000 रुपये मैंने दिए, वो सारी चीज़ों का मेरे पास सबूत है, ये जब बोला जाएगा मैं दे दूंगा सबूत। तो साथ ही साथ आपको यहाँ ये बता दें, ये 30,000 रुपये का जो मामला सामने आया है उसमें एक और कहानी ये बताई जा रही है कि उस लड़के को पवन सिंह के टीम की तरफ से, खासकर उनके जो मैनेजर हैं अमित सिंह की तरफ से कांटेक्ट किया गया था और ये कहा गया था कि 30,000 रुपये दे दो और तुम्हें तुम्हारे लिए एक गाना किसी फिल्म में या एल्बम में गवाएंगे। और अब इस साजिश से पर्दा धीरे धीरे हट रहा है, उस लड़के की चोरी पकड़ी जा रही है और उसने जो खेल खेला है वो वाकई ऐसा लगता ही नहीं है कि एक 13 साल का बच्चा इस तरह का खेल खेल सकता है। उसने पवन सिंह की सबूत के तौर पर जो चीज़ें पेश की है उसके लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन सिंह लाइव आते हैं और उस लाइव को उसने एक सबूत के तौर पर लोगों के सामने रखा है। और ये जो लाइव आए हैं पवन सिंह, जब वो बनारस में नमामि गंगे की शूटिंग कर रहे होते हैं तब आए हैं, और वहाँ पर जैसे फैन से इंटरेक्शन कर रहे हैं उस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उसे ये लड़का कॉल रिकॉर्डिंग बता रहा है कि उसके पास पवन सिंह के साथ कॉल रिकॉर्डिंग है, सबूत है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ये परतें खुल रही हैं कि इसके पीछे जो है वो पवन सिंह के विरोधियों का हाथ है, क्योंकि इन इतने दिनों से पवन सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो किस तरह से उन्हें ट्रैप किया जाए ये सारा कुछ उनके विरोधियों की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे पवन सिंह के वो धुर विरोधी है जो कभी उनके करीब हुआ करते थे और आज उनके खिलाफ वो जहर उकल रहे हैं। और इतना आप समझ लीजिए कि वो नाम भी बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी भले ही एक बच्चे के नाम पर की गई हो, इसे पवन सिंह या पवन सिंह की टीम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी।